जिसमें कि फिर से कॉलेज जाओ, कॉलेज से जॉब जाओ, जॉब से घर आओ, घर से कॉलेज जाओ। और हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुके हैं, मैं इधर से निकल लेता हूँ, अभी चल रहा जा चुकी है न्यू ब्लॉग। एक्चुअली ऑफिस से अब घर जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी जल्दी इसलिए निकल गया क्योंकि आज ऑफिस में ऑफिस कह रहा हूँ, कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 7 बजे, इसलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा। अभी सुबह 5 हो रहे हैं, अभी जल्दी जा कर ई रिक्शा लेना और घर पहुँचना, रेडी होना इस एग्ज़ाम के लिए। अभी तो वही सर में बहुत ज़्यादा और नींद बहुत ज़्यादा है, मिलते हैं घर जा कर के। चलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, कॉलेज जा रहा हूँ, आँखों में नींद है और बोलने का बिल्कुल कुछ मन नहीं है। अब एक्चुअली नींद से ज़्यादा एग्ज़ाम की टेंशन है, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए देन नींद तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, एग्ज़ाम के बाद ही अब मिलूँगा, इससे पहले अब नहीं मिलूँगा। तो फाइनली जैसा मैंने सोचा था, एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, वैसा नहीं आया। इवन जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे जो मैंने रट रट के पढ़े थे, उससे मेरा अच्छा गया ये वाला एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम टेंशन फ्री होकर के आई एम हैप्पी। आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। इवन साहब सो और फिर आपको जॉब जाते वक्त मिलूँगा। चलिए अभी मैं कॉलेज से सीधा घर जा रहा हूँ और योगा प्रैक्टिस भी हो गई थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। चलिए मिलते हैं अब घर पे अगर टाइम मिला तो। फाइनली ऑफिस पहुँच गया, आज स्टडी हुआ तो आज मैं सिर्फ मैं इसको ले लूँगा और कुछ नहीं दिखा। जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल, वो आज आज के दिन मैंने किया है। इतने दिनों से मौज मस्ती के साथ मेरे दिन गुजर रहे थे। एक्चुअली आज सडनली एग्ज़ाम पर गया रिसेंटली मेरा, वो भी मुझे पता नहीं था, पर वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। बाकी के जो तीन जो मेरे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उससे अच्छा गया मेरा ये वाला, जो कि मुझे सडनली पता चला। अदरवाइज़ बाकी सब सही था, लेकिन आज इतना ज़्यादा बिजी था, रात को मैं सोया नहीं स्टडी करने के कारण। आफ्टर वीडियो एडिट करने के बाद मुझे पढ़ने बैठना पड़ा और फिर उसके बाद लगा मतलब इमीडिएटली मॉर्निंग में, मतलब जल्दी निकला मैं ऑफिस से 4:30 बजे के करीब। देन उसके बाद सीधा मैंने घर गया, घर में जाके नहाया हुआ सीधा, देन 7 बजे कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंचा, एग्ज़ाम वगैरह दिए, फ़ोन सबमिट हो जाता है, आई नो मैं जानता, अरे यार कन्फ्यूज हो गया, चलो अभी तो मतलब समझ गए ना बस। तो बस इसलिए फ़ोन सबमिट हो गया, देन उसके बाद निकला। तो देन उसके बाद थोड़ी बहुत योगा की प्रैक्टिस हुई, उसके थोड़े बहुत पिक्चर्स या वीडियोस डालूंगा, वो भी गर्ल्स ने कराया, बॉयज़ आए नहीं थे। तो ये हुआ, बस थोड़ी बहुत मैंने शॉर्ट्स बनाए, फिर तो मैं कॉलेज से निकल गया। बस तो ऑफिस जा रहा हूँ, लंच में टाइम मिला तो लंच में मिलेंगे, वरना एंड ऑफ द ब्लॉग। चलिए सो फाइनली ऑफिस की छुट्टी हो गई, देन मैं अभी वॉशरूम से निकल के अब अपने सोफ़े की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मैं सोता हूँ। आज वैसे तो कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि कल एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण मैं पूरी रात जा कर के पढ़ता रह गया वीडियो एडिटिंग करने के बाद। इसलिए सुबह गया मॉर्निंग में कॉलेज, 7 बजे से पेपर थे, पेपर किया, देन आने के बाद मैं सीधा सो गया। ऑफिस के वक्त में उठा तो डायरेक्ट यहाँ पर आया, तो इसलिए आज कुछ इतना कुछ तो नहीं है। जो भी है रियली बताओ, इसे कहते हैं 20 ईयर्स बॉयज स्ट्रगल, मिडिल क्लास फैमिली, रियली कम इसे कहते हैं रियल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का स्ट्रगल, कि पैसा मतलब कमाने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कमाना, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहना, रियली कह रहा हूँ। आफ्टर स्कूल के बाद से जब मैं जॉब पकड़ा हूँ तब से लेकर अभी तक यही स्ट्रगल कर रहा हूँ। खैर अदरवाइज ये सब तो सबके साथ होती है स्ट्रगल वगैरह। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो फिर क्या कर दूँ पक्का कर ही देता हूँ, और क्या देखोगे। चलो राधे राधे। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ यार, सब्सक्राइब करो यार, 86 हुए अभी तक,
गेन करो यार, 1000 करो यार, कि मेरी चैनल मोनिटाइज हो, कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँ आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।